माँ वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करिए ट्रेनर को और साथ ही साथ इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके माता वैष्णो देवी से जुड़ी सभी जानकारियाँ सबसे पहले। जय माता दी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए प्यारे से वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी भवन पर स्थित शिव गुफा, साथ ही साथ श्री राम मंदिर के दर्शन कराएंगे, उससे जुड़ी कई सारी जानकारियां देंगे ताकि आप भविष्य में कभी भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं तो माता रानी के पवित्र दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिव गुफा जाएं, साथ ही साथ भगवान श्री राम व माता जानकी के दर्शन करने राम मंदिर भी जरूर जाएं। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है ताकि इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिल पाए। इस वीडियो में आपको लोकेशन के साथ दर्शन कराएंगे वह साथ ही साथ उससे जुड़ी सारी जानकारियां देंगे ताकि आप भविष्य में कभी भी जाते हैं तो आपको पूरी जानकारी हो और आप उससे दर्शन जरूर करें। सामने जो आप लोकेशन देख रहे हैं आपको याद होगा, अगर नहीं याद है तो मैं आपको बता दूं कि जब आप श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र दर्शन करने के बाद वापस आते हैं, यहां से अपना नारियल वापस लेते हैं टोकन जमा करने के बाद, तो ये लोकेशन वहीं का है। सामने जो आप सीढ़ियां देख रहे हैं, इसी सीढ़ियों से होकर आप भगवान शंकर के दर्शन करने शिव गुफा की ओर आगे बढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं कि आखिर ये शिव गुफा कैसे पता चला लोगों को और इसकी खोज कैसे हुई। मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो कि श्री माता वैष्णो देवी यात्रा को मैनेज करता है, उन्होंने शिव गुफा का निर्माण किया और इसकी खोज की। पहले जो है माता रानी की यात्रा पर आने वाले भक्तों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं था और ये शिव गुफा पूरी तरीके से प्राकृतिक था। बाद में श्राइन बोर्ड ने इसका पूरी तरीके से निर्माण कार्य शुरू किया और इसकी खोज करने के बाद यहाँ पर काफी डेवलपमेंट की, जिसे आप सामने देख सकते हैं। यहाँ पर रेलिंग लगाई गई, रास्ते बनाए गए, बिजली की व्यवस्था की गई, तब जाकर श्रद्धालुओं को इसके बारे में पता चला और धीरे धीरे यहाँ पर भी श्रद्धालु आना शुरू हो गए हैं। मुझे आशा कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। अगर आपको पता है या नहीं पता आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। सामने आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है शिव गुफा जाने का रास्ता। बिल्कुल दोस्तों सामने जो आप पवित्र जल देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि पूरी तरीके से गंगा प्रभावित होती है। जैसे आप माता रानी के दर्शन करने जाते हैं वहां पर गंगा प्रभावित होती है, वैसे ये जल पूरी तरीके से गंगा प्रभावित होता है। मैं आपको बता दूं कि देख सकते हैं आप कितना पावन और पवित्र जल का दर्शन हमें घर बैठे करने को मिल रहा है। इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट जानकारी देने की पूरी प्रयास की थी, मैंने सोचा था कि आपको पूरा दिखाया जाएगा लेकिन थोड़ी मोड़ी क्लिप्स छूट गए होंगे। अब आप हाथ जोड़कर घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी की दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के पवित्र दर्शन श्री माता वैष्णो देवी भवन से कर पा रहे होंगे। आप देख सकते हैं कि हमें घर बैठे ये पवित्र दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। मैंने कई सारी वीडियो में आपको ये दर्शन कराया होगा लेकिन आज ये दर्शन मैं आपको पूरी तरीके से एक नए वीडियो में पूरी इन्फॉर्मेशन देने के साथ करा पा रहा हूँ। तो मुझे आशा है कि जब भी आप माता रानी के दर्शन करने जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पर भी दर्शन करेंगे। सामने जो अब आप दर्शन कर रहे हैं वो श्री राम मंदिर के बाहर से दर्शन है, अंदर से तो हम आपको दर्शन नहीं करा पाएंगे क्योंकि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उस समय भगवान श्री राम का मंदिर बंद था। ऐसे में दोस्तों आपको ये लोकेशन देखकर एक गाइडेंस मिल जाएगा कि आपको कैसे जाना है। ये जस्ट शिव गुफा के मंदिर के बगल में स्थित श्री राम भगवान जी का मंदिर है। दोस्तों मुझे पूरा आशा है कि इस वीडियो में मैंने आपको घर बैठे श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के बाद शिव गुफा जाने का रास्ता, शिव गुफा के बारे में, साथ ही साथ श्री राम मंदिर के बारे में पूरी जानकारी दी है। और मैं यही आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जब भी श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जाएं, माता रानी के सुंदर पवित्र दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिव गुफा जरूर जाएं, साथ ही साथ भगवान श्री राम के वो माता जानकी के दर्शन करने श्री राम मंदिर भी जरूर जाएं। वहां पर कई सारी ऐसे मंदिर स्थित हैं जहां पर आप जाकर दर्शन कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही सुकून और शांति का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे आशा है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी जानकारी दी है वो आपको अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई भी वैल्यूएबल फीडबैक या सजेशन है तो आप कॉमेंट के जरिए वो मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज में। आप देख रहे थे यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी।